हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो है हमारी कोंगो के वीडियो कैप्चर कार्ड की। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। एक बार हम इसको खोल चुके हैं, लेकिन आपके लिए हम दोबारा खोल रहे हैं। इसको दिखा देते हैं कैसी पैकिंग आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, पैकिंग जो आएगी ऊपर की वो बहुत अच्छी आएगी। हमने इसको खोल लिया था एक बार और खोल के दिखाते हैं। बड़ा हल्का पैकेट है, वेट तो ये लगा लो नाम मात्र के लिए। एक बार को तो आपको ऐसा लगेगा पैकेट के अंदर कुछ है भी या नहीं है। पैकिंग है, बाकी अंदर की पैकिंग बहुत अच्छी है। अंदर की पैकिंग में क्या है वो भी देख लेते हैं। अब अंदर का हमने खोला नहीं था, अभी अंदर का खोल के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके इसमें एक बहुत बड़ा थर्माकोल का लैपटॉप मिलेगा और साथ में आपको ये मिलेगा कार्ड, कैप्चर कार्ड। इसका नाम है कोंगो का वीडियो कैप्चर कार्ड है। लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए इसके अंदर क्या सामान है तो देख लेते हैं एक बार इसको भी खोल के। हम इसके अंदर देखा जाए तो तीन चीज़ें हैं। एक तो इसका ये यूज़र मैनुअल है, और दूसरा जो है थैंक यू का, कोंगो की तरफ से थैंक यू का विजिटिंग कार्ड है। बाकी एक डोंगल है, छोटा सा सिंपल ये डोंगल है, और इस डोंगल को हम यूज़ करने वाले हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ खास है नहीं। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी डिलीवरी हो गई है, 3-4 दिन के अंदर डिलीवरी हो गई है। कोंगो का HDMI वीडियो कैप्चर कार्ड है। बाकी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन से मोबाइल में सपोर्ट करता है, कौन से में नहीं करता है। मेरे पास Realme 7 है और Infinix के मोबाइल हैं, तो 2-3 मोबाइल हैं। मैं सब में लगा के एक एक बार ट्राई करूंगा कि सब में कैप्चर कार्ड ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। बाकी अगर आपका कोई कमेंट रहता है या फिर अगर आपका कोई अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ इसके साथ आया नहीं, ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है। इतना ही कैप्चर कार्ड है ये है। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस इसका जो है वो 900 रुपये है। तो आप भी चाहो ले सकते हो, लेकिन अभी मत लीजिएगा क्योंकि पहले मैं इसको ट्राई कर लूँ कि सभी मोबाइल में सपोर्टेबल है भी या फिर ये नहीं सपोर्ट करता है सभी मोबाइलों को। अगर इसके बाकी फीचर्स की बात करी जाए तो एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं सारी डिटेल इसके बारे में बता दूंगा जैसे ही मेरे मोबाइल में सपोर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।